हेलो फ्रेंड्स, हम सभी यह तो जानते ही हैं कि केंद्र सरकार ने 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। वहीं इस लक्ष्य के अंतर्गत जलीय कृषि को भी शामिल किया गया है, जिसे नीली क्रांति भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत वर्तमान में सरकार के द्वारा मछली पालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की गई है, जिसकी शुरुआत 10 सितंबर 2020 को की गई थी। इस योजना का मकसद मछली पालन से जुड़े लोगों की आय में वृद्धि करके उनके जीवन शैली में सुधार लाना है। वहीं इसके तहत मछली पालन के क्षेत्र में कार्य करने वालों को 3 लाख रुपए तक का ऋण भी दिया जाता है और इस योजना के अंतर्गत बजट में 20,050 करोड़ रुपए का फंड भी रखा गया है। आइए अब इस योजना से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करते हैं। इस योजना से मछलियों का विदेशों में निर्यात करके सरकार को 46,589 करोड़ रुपए का आय हो रहा है, परंतु सरकार इस क्षेत्र को बढ़ाकर इस निर्यात को 1 लाख करोड़ रुपए तक लाना चाहती है। वहीं इस क्षेत्र को बढ़ाने के लिए भारत सरकार के द्वारा मत्स्य पालन से संबंधित शिक्षा के लिए महाविद्यालय प्रमाण पत्र कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, जिसमें मछली पालन आय और उसके वृद्धि के बारे में शिक्षा दी जाती है। वहीं इस योजना के माध्यम से वर्ष 2018-19 में होने वाले मत्स्य उत्पादन को 137 लाख मीट्रिक टन से 2024-25 तक 220 लाख मीट्रिक टन करने पर फोकस किया जा रहा है। वहीं मछली पालन क्षेत्र के ग्रोस वैल्यू एडेड को कृषि के ग्रोस वैल्यू एडेड में 2018-19 की अपेक्षा 7.28% से बढ़ाकर 2024-25 तक 9% तक करने का लक्ष्य रखा गया है। इसी के साथ जलीय कृषि में मछली उत्पादकता को 3 टन से बढ़ाकर 5 टन प्रति हेक्टेयर करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं अंतिम में आपको बता दें कि इस योजना के तहत घरेलू मछली खपत को 6 किलोग्राम प्रति व्यक्ति से बढ़ाकर 12 किलोग्राम प्रति व्यक्ति करना है। तो दोस्तों, इस इन्फॉर्मेशन में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।